फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग में आप सभी को स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैसे स्टूडेंट जो 10th और 12th कर चुके हैं, इवन ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, और वो लोग अभी तक सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नौकरी तो देश में सरकारी गवर्नमेंट में जाना तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट में भी कमी हो रही है, तो आप कैसा करेंगे कि अपने लाइफ को सेटल करेंगे? आ रहा है समझ में बात? तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कौन सा ऐसा कोर्स, टेक्निकल कोर्स करें जिससे कि आप अच्छा सा इनकम कर सकें। क्योंकि आज के ज़माने में अपने डेली लाइफ को चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए, केयर करने के लिए भाई मनी की ज़रूरत है। यूट्यूब पे तमाम सारी वीडियो है जिसमें बताया जाता है कि ये कर लो तो इतना पैसा कमा लोगे, इतना पैसा कमा लोगे। भाई वो सब दिखावा का पैसा है, कोई कमाता नहीं है उतना। बस बसरते हम लोगों के वो कंप्लीट एक टेक्निकल कोर्स करना होगा जिससे हम अच्छा से अर्न कर सकते हैं 20-25 हज़ार रुपया। इसमें ऐसा कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप अच्छा से कोर्स को कंप्लीट करेंगे और जॉब भी प्राप्त कर सकेंगे, कहीं पे भी, भारत हो या इवन विदेश में भी जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सरकारी फील्ड में भागे, सरकारी नौकरी के पीछे भागे, लेकिन वैसे लड़का ही भागे जिसके कैपेबिलिटी में हो, यानी जो सेफ्टी, जो सरकारी जॉब कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट न जाए जो लड़का सरकारी फील्ड में जाने से उनका कोई योगदान नहीं रहेगा, यानी उनको तैयारी करने से भी तैयारी करते हैं उसके बाद बार बार फेल हो जाते हैं। तो वैसे वे स्टूडेंट को अपील है कि वो लोग अपने करियर पर ध्यान दें। केवल सरकारी नौकरी से ही आप अच्छा सा इनकम नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं, वो भी एक तरह के सर्व है, देश की सर्व, देश सेवा कर सकते हैं। जैसे कि आप सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं। अब सेफ्टी में भी कई तरीके का कोर्स होता है, बहुत सारा कोर्स होता है, जैसे कि डिप्लोमा एंड फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट होता है, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट होता है, डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी का कोर्स होता है। बहुत सारे लड़का का डाउट होता है कि सर निबोश करना है, एक्चुअली निबोश कोर्स नहीं होता है, निबोश के अंतर्गत कोर्स होते हैं, जो कोर्स IGC और HSW और IDPI का कोर्स होता है। आप ओशा का कोर्स कर सकते हैं, आयुष का कोर्स कर सकते हैं, आयुष में भी दो कोर्स होता है, MS और WS। अब है डाउट्स कि किस इंस्टीट्यूट से करें, ये भी क्वेश्चन रहता है कि कौन से इंस्टीट्यूट से कोर्स करें। बहुत सारा इंस्टीट्यूट आज फर्जी है, ठीक है, जिसका वैल्यूएशन नहीं है, आप उससे कोर्स करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल पाता है। तो आपका मनी को हम समझ सकते हैं, वो हार्ड वर्क मनी से आप जो पेमेंट ला करके इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी पेड करते हैं, वो हार्ड वर्क मनी है, ठीक है। तो इस बारे में बात करेंगे। अगर आप 10th 12th करने के बाद तुरंत जॉब करना चाहते हैं कि भाई हम अपने फैमिली को कुछ सहयोग करें, फाइनेंशियल रूप से कुछ सपोर्ट करें, तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर लीजिए। आप समझ सकते हैं कि ITI का भी कोर्स कराया जाता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में। ITI करने के बाद वो स्टैंडर्ड नहीं मिल पाती है जिस स्टैंडर्ड की हम लोग कामना करते हैं। जैसे कि आप कोर्स करते हैं ITI, सपोज कीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि ITI गलत है, सपोज कीजिए कि आप कोर्स कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, वेल्डर से, तो आपका वहाँ पर काम कैसा होगा? आपका एगो काम टेक्निकल वर्कर का होगा, जो आपको 8 से 10 घंटा या 12 घंटा का जॉब करना पड़ता है। उससे तो कई गुना बेटर है सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स, जिसमें आपको उस वर्कर का, टेक्निकल वर्कर को भी सेफ्टी में रहने के लिए अवेयर करना पड़ता है कि भाई आप सेफ्टी में रहो, हेलमेट लगाओ, शूज लगाओ, और हजार्ड को केयर में रखते हुए काम को करो, जिससे आपको एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। इस तरीका का सहयोग आप उस वर्कर को भी कर सकते हैं, तो ये बेटर कोर्स है। इसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, टेक्निकल वर्कर जो भी होते हैं वो लोग भी आपके प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं लोग। जब आप टूल बॉक्स मीटिंग वगैरह कराते हैं सेफ्टी से, यानी सेफ्टी अवेयरनेस के लिए कुछ मीटिंग कराते हैं, उसमें भी सभी वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं लोग। उसमें एक सेफ्टी को कंप्लीट रूप से बोलने की तरीका पता होना चाहिए। सेफ्टी का कोर्स कोई कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, बशर्ते सेफ्टी की कोर्स में बहुत सारा सावधानियां बरतनी पड़ती है, जैसे बिहेवियर को ठीक करना पड़ता है, एसोसिएशन में रहना पड़ता है, और ग्रुप लीडर बन के रहना पड़ता है, और एक जैसे पेरेंट्स वगैरह होते हैं अपने बच्चे को केयर करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको सभी वर्करों को केयर करना पड़ता है। जैसे वर्कर तो भाई कितना लोग एजुकेटेड होते हैं, कितना भी आउट एजुकेटेड होते हैं, उन लोगों को काम करने का सही तौर तरीका नहीं पता चलता है, तो उन लोगों को आप उनको काम से रिलेटेड सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, सेफ्टी प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है, तो आप ITI किए हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज है, तो आप इलेक्ट्रिकल के काम करते हैं, बट आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में आइडिया नहीं है, तो हो सकता है एक्सीडेंट। एक सेफ्टी ऑफिसर इलेक्ट्रिकल वर्कर या वेल्डर फिटर को भी उसको सुरक्षा में रहता है, यानी उसके काम से रिलेटेड सेफ्टी के बारे में बताता है। तो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप डिप्लोमा इन फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स कीजिए अगर 10th और 12th हैं तो। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में 15 से 25 हज़ार के बीच में फाइनेंशियल रूप से आपको जो 15 से 20 हज़ार के सैलरी आसानी से मिल सकता है, मंथली का सैलरी। तो आई होप आप लोग ये कोर्स करेंगे। अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 1 ईयर होता है, और वह 10th बेसिस पे भी कुछ कोर्सेस होता है जो 6 मंथ का हो गया, जैसे कि फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया। अगर आप अपने देश के साथ साथ विदेश में भी जॉब करना चाहते हैं, चूँकि भाई मनी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर
नीड्स, हमारे जरूरत को पूर्ति करने के लिए पैसा की बहुत जरूरी पड़ती है। तो हम लोग विदेश के लिए भी प्लान करते हैं, तो विदेश में भी जाते हैं तो 20-25-30 हज़ार का सैलरी मिलता है, उससे ज़्यादा कैसे कमाएं। तो सेफ्टी में कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज होता है, जैसे कि HSW जो कि निवोश के पार्ट है, IGC जो कि निवोश का पार्ट है, ये सब इंटरनेशनल कोर्सेज है, फ्रॉम UK से कराया जाता है। अपने इंस्टीट्यूट में ये सब कोर्स भी अवेलेबल है, प्लस कैरियर से रिलेटेड भी सुझाव हम देते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। आप इस कोर्स को कीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत है। आप 10th 12th BA BSc या ITI पास हैं या BTech पास हैं और जॉबलेस हैं, तो आप एक बार सेफ्टी का कोर्स जरूर कीजिए। इसमें पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पैसा होना ही चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है तो भाई इंस्टीट्यूट के पास आइए, विजिट कीजिए, इधर किसी मॉल वगैरह में पार्ट टाइम काम करके आप अपना मनी को कलेक्ट करके और मेरे यहाँ क्लास कर सकते हैं। मेरे यहाँ क्लास करने के लिए पहले आपको फी देने की जरूरत नहीं है, पहले एक सप्ताह तक ले आप अपना डेमो क्लास करें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूं, तो आप इसमें एडमिशन लीजिए। एडमिशन के लिए आपके पास पैसा नहीं है तब तक ले डेमो क्लास कीजिए। और इधर जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट का लोकेशन मीरगंज और सिवान में है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में मीरगंज पड़ता है, यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे बहुत सारा मॉल वगैरह होता है, इस मॉल में आप काम करके अपना 5-10 हज़ार रुपया मंथली का आराम से बना सकते हैं और अपना पढ़ाई का भी कर सकते हैं। बस बशर्ते कब, जब कोई पढ़ना चाहेगा तब ना। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जिस कोई भी लड़का अगर सेफ्टी के कोर्स करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ एक बार मेरे यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे इंस्टीट्यूट पर आइए, कॉल के थ्रू बात कीजिए। इस तरह से आप अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं सेफ्टी फील्ड में। इसमें लाखों रुपया मंथली मिलता है, 1.5-1.5 लाख रुपया मंथली लड़का कमाता है। लो इवन मेरे इंस्टीट्यूट के अभी फिलहाल में भी लड़का दुबई गया है, लो जो इस फील्ड में अच्छा से जॉब करके अच्छा मनी अर्न कर रहा है, लो अच्छा पैसा कमा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।